अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, यदि आप कुवैत में रहते हो और कुवैत के अंतरिन खबरों से हमेशा वाकिफ रहना चाहते हो तो ये वीडियो को बिना स्कोप का पूरा देखिए। चैनल पे नए हो या फिर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको दोस्तों फ्री में हमेशा मिलती रहे। तो साथियों, आज की वीडियो में सबसे पहली जो खबर दोस्तों आ रही है, खबर ये है मोर देन 6 मिलियन पैसेंजर एक्सपेक्टेड दिस सीजन। साथियों, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन, जिसे DGCA कहा जाता है, उनके इंजीनियर यानी उनके जो हेड है इमाद अल अजवी, उनके तरफ से ये बताया गया कि इस सीजन में, यानी दोस्तों इस सीजन जो आने वाला जो 6 महीना होगा दिसंबर के महीने तक, एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है दोस्तों कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 6 मिलियन पैसेंजर जो है सफ़र करेंगे, यानी आना और जाना लगभग मान के चलिए दोस्तों 60 लाख लोग वहाँ पर सफ़र करने की संभावना बताई जा रही है, जो कि दोस्तों अब तक का सबसे ज़्यादा ये मात्रा होगा। साथ ही कुवैत जो है लगातार कोशिश ये कर रहा है कि अपने टूरिज़्म को वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाए, क्योंकि जितने भी गल्फ कंट्री हैं सभी के सभी दोस्तों तेल पे निर्भर करती हैं, तो कुवैत भी लगातार कोशिश ये कर रहा है कि अपने टूरिज़्म को बढ़ाएँ, इसलिए नई नई चीज़ों को वहाँ पर बनाया जा रहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर अट्रैक्टिव हो सके और कुवैत में आ सके। अगली खबर के साथ चलते हैं। अगली खबर दोस्तों चाहते हैं, MOCI डिनाइज अप्रूवल फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ सब्सिडाइज फूड आइटम एंड मिल्क TNS। दोस्तों कुछ दिन से खबर निकल कर ये आ रही थी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से ये बताया जा रहा था कि कुछ जो सब्सिडाइज आइटम यानी सरकारी चीज़ें जो भी होती हैं उन लोगों को वहाँ पे बेचने की दोस्तों परमिशन दी जा रही है, जैसे कि दूध वगैरह और दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें जो कि खाने के काम आता है, जिसे फूड आइटम भी आप कह सकते हैं, उनको बेचने की इजाज़त दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की तरफ से दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये खबर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई। वायरल होने के बाद दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से साफ तौर पर कह दिया गया कि ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसी अफवाहों में बिल्कुल भी आप ना पड़ें और ऐसी दोस्तों खबरों को भी वहाँ पर फैलाने के लिए मना किया गया है। तो यहाँ पे खबर को आप पढ़ सकते हैं, MOCI डिनाइज अप्रूवल फॉर एक्सपोर्ट टू सब्सिडाइज फूड आइटम एंड मिल्क TNS। तो दोस्तों ये जैसे यदि आप लोग ये सब खबर को यदि आप लोग वहाँ पे फैलाते हो तो आप पर भी कानूनी कार्रवाई वहाँ पे की जा सकती है। अगली अपडेट की ओर साथ ही चलते हैं। अगली खबर दोस्तों, लीगल प्रोसीड्यूर अगेंस्ट पर्सन हु इंसल्टेड द फ्लैग ऑफ कुवैत। साथियों आपको बता दूं, कुवैत के जो फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर शेख तलाल अल खालिद, जो को वीडियो क्वेश्चन पर जिनके फोटो देख सकते हैं यही हैं, तो साथ ही उनकी तरफ से ये बताया गया है कि कुवैत में यदि कोई भी नेशनल फ्लैग को वहाँ पे यदि बेहुरमती करता है, यानी उसके साथ तो कोई ऐसा काम करता है जो कि बिल्कुल गलत है, उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ था जिसमें एक कुवैत के फ्लैग के साथ वहाँ पर बेहुरमती करते हुए दोस्तों दिखाया गया था। तो साथ ही ये वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों तेज़ी से वायरल हुआ, जिसके बाद दोस्तों उन पर पुलिस की सख्त नज़र गई और तुरंत उन पर कानूनी कार्रवाई दोस्तों करने की मांग की जा रही है। हो सकता है दोस्तों तुरंत ही उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, उस पर कानूनी कार्रवाई करके उसे जेल भी भेज दिया जाएगा। यदि वो कुवैत का नहीं होगा तो एक्सपर्ट को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्टेड या फिर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अगली खबर दोस्तों, यानी 2695 एक्सपर्ट अरेस्टेड फॉर रेसिडेंसी लॉ वॉयलेशन। पब्लिक सिक्योरिटी सेक्टर के तरफ से या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तरफ से बताया गया कि 1 सितंबर 2022 से लेकर 30 मई 2023 तक लगभग वहाँ पे 22212 चेक पॉइंट वहाँ पे चेक पॉइंट किया गया, लगभग उसमें से कैपिटल में, हवल्ली में, अहमदी में, जहरा में, फरवनिया में, मुबारक अल कबीर एरिया, इन सभी जगहों पे दोस्तों किया गया, जिनमें से बताया दोस्तों यह जा रहा है कि लगभग वहाँ पे 2695 एक्सपर्ट को रेसिडेंसी लॉ का उल्लंघन करने के लिए पकड़ा गया और सभी को दोस्तों वहाँ से डिपोर्ट किया गया। तो भाइयों, यदि आप कुवैत में रहते हो तो यदि आप सोच रहे हो कि इलीगल एक्टिविटी करोगे और बच जाओगे तो बिल्कुल भी ऐसा मत सोचे, आज नहीं तो कल आप पकड़े जाओगे, फिर आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो ये कुछ खबरें थी, कुछ अपडेट्स थी जो कि कुवैत से आ रही थी, मैंने अब तक शेयर किया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। मिलते दोस्तों नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, टेक केयर।